नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर और तरुण के इस एपिसोड में। जैसे कि आप जानते ही हैं, इस कोरोना वायरस के दौर में अगर सुरक्षित रहना है तो सामाजिक दूरी बनाए रखना और नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। उसी तरह हमारे दोस्त जो ट्रैक्टर चलाते हैं, उन्हें भी सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा जानकारी पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए इस एपिसोड में हम ये देखते हैं कि ट्रैक्टर चलाते समय सुरक्षित रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ये सुरक्षा नियम तो हम सब लोगों को पता है, लेकिन हम इनका पालन नहीं करते हैं। तो काम पर निकलने से पहले ट्रैक्टर की चारों तरफ से अच्छी तरीके से जांच कर ले। अगर कोई नट बोल्ट लूज हो तो उसे टाइट कर ले। डीजल ऑयल अगर लीक हो रहा है तो उसे बंद कर ले। ट्रैक्टर पर चढ़ते समय दोनों हाथ से रेलिंग या स्टीयरिंग को पकड़ते हुए पायदान पर पैर रख के ही ऊपर चढ़े, और जब बारिश हो या कीचड़ जैसी स्थिति हो तो समय पर ऊपर चढ़ते समय ज़्यादा सावधानी बरतें। आवश्यकता के अनुसार सीट को आगे पीछे करते हुए एडजस्ट करें, ताकि आप क्लच और ब्रेक पेडल को पूरी तरह दबा सके, और आइनों को भी एडजस्ट करना ना भूलें। इंजन को शुरू करने से पहले गियर लीवर और पीटीओ लीवर को न्यूट्रल करें। एक्सेलरेटर यानी रेस को पूरा कम करें। दोनों हाइड्रोलिक लीवर पीसी लीवर और डीसी लीवर को पूरा नीचे करें। अब दो या तीन बार हॉर्न बजाएं। अगर ट्रैक्टर के पास कोई खड़ा है तो वह सतर्क हो जाएगा। याद रखिए, हमेशा इंजन को सीट पर बैठकर ही शुरू करें। और हाँ, अगर आपके ट्रैक्टर में रोप्स यानी रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर है तो हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अगर किसी भी कारणवश ट्रैक्टर पलटी हो जाता है तो रोप्स और सीट बेल्ट के कारण आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अब कुछ नियम रोड पर ट्रैक्टर चलाते समय। दोनों ब्रेक का इस्तेमाल करने के लिए ब्रेक को लॉक करके रखें। अगर आप कोई इम्प्लीमेंट ले जा रहे हो तो हमेशा इम्प्लीमेंट लॉक का इस्तेमाल करें। इससे रोड पर चलते चलते अगर गलती से पीसी या डीसी लीवर नीचे हो गया तो इम्प्लीमेंट ऊपर ही लॉक रहेगा। और हाँ, रोड पर ट्रैक्टर चलाते समय आरटीओ के नियम के अनुसार ही ट्रैक्टर को चलाएं। अब कुछ नियम काम करते समय। ट्रैक्टर का इस्तेमाल उसी काम के लिए करें जिस काम के लिए उसे बनाया है, जैसे खेत में काम करने के लिए या माल ढोने के लिए या अन्य कोई विशेष उपकरण चलाने के लिए ही ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें। पीटीओ से चलने वाले उपकरण के साथ तो ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है। हमेशा पीटीओ का इस्तेमाल सुरक्षा कवच के साथ ही करें। चलते चलते इम्प्लीमेंट के साथ छेड़खानी करना जानलेवा हो सकता है। याद रखें, इंजन को बंद करने से पहले हमेशा पीटीओ को बंद करें। अगर आप ट्रैक्टर को असमतल जमीन या ढलान पर चला रहे हैं तो ट्रैक्टर की स्पीड को कम रखें और क्षमता से ज्यादा भार न उठाएं। इसके साथ साथ जरूरत के अनुसार ट्रैक्टर को ब्लास्ट करें। याद रखें, ड्राइवर सीट पर ड्राइवर के साथ किसी अन्य व्यक्ति को ना बिठाएं और चलते चलते ट्रैक्टर से चढ़ने या उतरने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब कुछ नियम ट्रैक्टर को पार्क करते समय। ट्रैक्टर को हमेशा समतल जमीन पर ही पार्क करें। पीटीओ लीवर और गियर लीवर को न्यूट्रल करें। इंजन को बंद करने से पहले इम्प्लीमेंट को नीचे करें और पार्क ब्रेक लगाएं। इंजन को बंद करके चाबी निकालें। ट्रैक्टर से हमेशा उल्टा ही नीचे उतरें और ट्रैक्टर से कूदने से बचें। ट्रेलर का हाइड्रोलिक कनेक्शन या एससीवी के हाइड्रोलिक कनेक्शन निकालने से पहले हाइड्रोलिक प्रेशर को रिलीज करें। तो दोस्तों, मुझे भरोसा है कि आप इन सब सुरक्षा नियमों का अच्छी तरीके से पालन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे ही ट्रैक्टर संबंधित विशेष जानकारी पाने के लिए देखते रहिए ट्रैक्टर एंड तरुण। धन्यवाद।